थैंक यू सो मच. इस साल आपकी बैक टू बैक पांच फिल्में आई, यू नो, तो एक साथ इतने सारी फिल्में आती हैं, साथ ही साथ इतने सारे ऑडियंस से प्यार आते हैं, प्लस फैमिली एंड फ्रेंड के जब कमेंट्स आते हैं, तो कैसा लगता है? क्या कुछ कहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आई वॉन्ट टू थैंक द ऑडियंस, क्योंकि इतना प्यार आवाम से मिल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं. और द ईयर स्टार्टेड ऑफ विथ आर्टिकल 370, उसके बाद वेडिंग स्टोरी आई एंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग. माई नेक्स्ट हिंदी फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, उसका नाम है बेबिंका. बेबिंका इज़ अ गोवन स्वीट डिश और दैट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड. और मैं इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जितनी मोहब्बत आपने की है मुझसे, वही आप कंटिन्यू करें. And as an artist, what else you want? अच्छा project, अच्छे projects आते रहे और आवाम का प्यार मिलते रहे. Wedding story तो काफी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, horror था. आप डरे थे वो film बनाते वक्त? हाँ जी, we had certain moments जहाँ सब लोग डर गए थे, but it was a nice, the experience was very good. और मैंने आपका graph देखा, आपने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ इंडस्ट्री में और मराठी में हर एक लैंग्वेज में आपने कंप्लीट किए हैं. तो जब जैसे कि मैंने अभी देखा बैक टू बैक पिक्चर्स भी जैसे आपने दिया, तो जब ऐसा प्यार मिलता है, उसको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. और जैसे आपने, मेरा हमेशा से एक मतलब बचपन से ड्रीम था कि जो लैंग्वेजेस मैं बोल सकता हूँ, उन लैंग्वेजेस की जो फिल्म इंडस्ट्री, उसमें मुझे काम करना है. हिंदी, मराठी, तेलुगु एंड ऑफकोर्स इंग्लिश बोल सकता हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये तीन लैंग्वेजेस में काम कर सकता हूँ. और आई होप अच्छा और भी आगे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहूँ, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में. सो या ग्रैटिट्यूड इज़ ओनली वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड जब लोग इतना प्यार करते हैं. जैसे कि मैंने कहा बैक टू बैक पांच फिल्में आई, हर एक लैंग्वेज की अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग स्टोरीज थी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग रहा एक साथ इतने सारे फिल्में करना, हालांकि एक साथ नहीं रहे होंगे बट सबके सिनेरियो एक स्टेप बाई स्टेप ही रहा होगा, राइट? सो चैलेंजिंग रहा कि नहीं? आई गेस इतने प्यारे डायरेक्टर्स थे, इतने अच्छे राइटर्स थे कि एज एन एक्टर इट बिकम्स वेरी ईजी जब इतने अच्छे डायरेक्टर और अच्छे राइटर आपके आपके साथ काम करते हैं. सो चैलेंजिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा कि द ओनली चैलेंज इज फॉर मी वॉज जस्ट टू फॉलो माई डायरेक्टर एंड फॉलो माई राइटर. और वो मैंने एज अ गुड स्टूडेंट वो डेफिनेटली किया. सो आई गेस या सो चैलेंज से ज़्यादा आई गेस इट वॉज फॉलोइंग देयर डायरेक्शन. आई थिंक एज अ एक्टर बात करूँ तो आपने इतनी फिल्में की हैं, 2004 से मैंने आपका ग्राफ देखा, बैक टू बैक फिल्में हैं, 2019 से देखा बैक टू बैक फिल्में हैं, टेलीविजन शोज हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ एक्टर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे वो फेसेस या फिर वो ओहदा नहीं मिला जो एक सेलिब्रिटी को मिलता है जब एक फिल्म में या दो फिल्में जो कि हाँ जी हम अगर बॉलीवुड में देखते हैं, एक फिल्म करने के बाद भले वो फिल्में नहीं चलती हैं बट वो टॉप लेवल पे खुद को शो करते हैं, बट आपने अभी तक नहीं किया, राइट? सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शंस हैं कि मैंने इतने सारे काम किए हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किए, सिर्फ उन्हीं की फिल्में नहीं बल्कि मेरे एक पर्सनल कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया और उस नाम से भी लोग मुझे आज बुलाते हैं, जाते हैं. कभी ऐसा लगा कि यस वो मुझे स्पेसेस नहीं मिले अभी तक? नहीं, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी, अगर मैं अपनी बात करूँ एक्टर से, मैंने इंटरव्यूज़ किए तो उनके कहीं ना कहीं ये रहते हैं ऑब्जेक्शंस कि यस कहीं ना कहीं हमें उस डायरेक्शन में जिस तरीके से एक एक्टर को मिलता है, उनकी एक पॉपुलैरिटी जनरेट किया जाता है, वो हमें नहीं मिलता क्योंकि हम एज अ नेचुरल रहते हैं, हमें जैसा रियल लाइफ में है वैसे हम अपने कैरेक्टर में हैं और हमें दिखावा नहीं करना. बट अगर मैं एज अ एक्टर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आज जो बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कहीं ना कहीं दिखावे का ही, इस पर आप एग्री करते हो कि नहीं? नहीं, मुझे मैं ऊपर वाले का तो शुक्रगुजार हूँ कि बहुत प्यार मिला है और मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ लाइफ में. सो मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से अगर आई कंपेयर इट, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और आई एम जस्ट इन माई 30, सो अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो. सो वो प्यार बढ़ता जाएगा ऐसा मैं. आपने दो हिस्टोरिकल मूवीज में भी काम किया है, मणिकर्णिका एंड बाजीराव मस्तानी. मैंने सडनली देखा नाना का कैरेक्टर में आप हो, रियली? तो आज भी उस कैरेक्टर से आपको लोग जानते हैं, राइट? जी या और अभी रिसेंटली महाराजा फिल्म आई थी,
बट जिस तरीके से, अगर मैं उनकी बात करूँ आमिर खान के लड़के का, तो उन्हें कहीं ना कहीं अभी एक ग्राफ देने की कोशिश किया जा रहा है. बट आपने, आपका भी एक अच्छा कैरेक्टर था. It was a cameo. मेरा it was just a cameo and I did that for the love of the director Siddharth Malhotra sir. So yeah, मेरा रोल नहीं था फिल्म में. It was a guest appearance kind of a thing. Oh, recently आपका बर्थडे भी आ रहा है. जी जी. तो excited हो बर्थडे पे, कुछ आप धमाका भी करने वाले हो, right? जी, बर्थडे पे my next हिंदी फिल्म जिसका नाम है बेबिंग का, वो हम अनाउंस कर रहे हैं. एंड बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल, बट वेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दिस, के बर्थडे पे आप अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आई गेस दैट बिकम्स मोर स्पेशल. सो अपकमिंग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो ऑडियंस को सरप्राइज करने वाला है? आई गेस बेबिंका इज द अपकमिंग प्रोजेक्ट, और मुझे यकीन है कि ये आवाम को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर और राइटर, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, मिस्टर सचिन कुंडलकर, सो ही हैज़ डायरेक्टेड दिस फिल्म. And I'm sure people will love it. मेरा ये ड्रीम है कि मैं कोई ऐसा किरदार निभाऊँ जो बाकी लोगों के लिए ड्रीम कैरेक्टर हो. वाह, क्या बात है. ऐसा कोई ड्रीम एक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस जिसके साथ आप उनके साथ लीड कैरेक्टर में परफॉर्म करना चाहेंगे? बहुत लोग हैं जिनका काम मैं बहुत दिल से सराहता हूँ, सो ऐसा एक नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आई हैव एडमायर्ड लॉट इन ऑल द इंडस्ट्रीज, लाइक मराठी हो, हिंदी हो या तेलुगु. सो आई होप आई गेट टू वर्क विथ ऑल द गुड पीपल. शक्ति के साथ जैसे हमने आपका रिसेंटली वेडिंग स्टोरी देखा था, केमिस्ट्री कैसा था? क्योंकि जहाँ हम देखते हैं एक डांसर के नाम से हम लोग हमेशा उनको देखा है, फिर सडनली फिल्मों में, हालांकि उससे पहले भी उन्होंने किया है, बट मुक्ति इज नॉट जस्ट अ फिनोमिनल डांसर, बट शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर एज वेल, और हमारी केमिस्ट्री वी हिटेड ऑफ इंस्टेंटली मुक्ति के साथ. नाउ शी इज़ जेन्युइनली, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो पूरा जर्नी बहुत अच्छा था. वी हैड शॉट इन देहरादून और वी बिकेम लाइक अ फैमिली ऑल द एक्टर्स, सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड प्रेमियर पे तो सब लाइक उनकी बहनों से भी मुलाकात हुई, एंड they are also very sweet. I have always admired their work. And overall film ki baat kare to sabse favorite character aapka kaun tha? I guess article 370 ka Yash Chauhan, so he was the most favorite till now. Lastly kuch kehna chahenge aap audience ko? Nahi, main itna hi kahunga ki ab tak jitni mohabbat aapne di hai uske liye bahut bahut shukriya, aur aage bhi main acche kaam karte rahunga. Few of like kuch bahut pyari hindi filmein abhi release ho rahi hai, and मैं इतना ही कहूँगा कि आशीर्वाद रखिए हमेशा आपका. और वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू. पूछो बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वैभव, हैप्पी बर्थडे डियर वैभव, हैप्पी बर्थडे टू यू. कैमरा के पीछे से आगे आ जाइए. प्रशांत सर को बुला. आ जाओ प्रशांत सर. अरे जाओ ना, ठीक है जाओ, दोनों आ जाओ. आप के नहीं खाते? थैंक यू सो मच. मैं वो, जैसा कि हमने सुना आप शेर व शायरी बहुत अच्छा करते हैं, कुछ सुनाना चाहें आप ऑडियंस को? ऑडियंस के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आँखों में खुशी, होठों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, आपको मिले दुनिया की सारी खुशी, और इस खुशी की कभी शाम ना हो. वाओ, थैंक यू. थैंक यू. एक लेख रुक जाओ. एक बड़ा प्यारा शेर काफी वायरल होगा. जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, तेरी आंखों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी. वाह वाह वाह, क्या बात. थैंक यू. शुक्रिया.